सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रावस्ती जनपद में आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार। इकोना इलाके के हजरिया में पहुंचकर पुलिस ने राप्ती नदी का निरीक्षण करने के साथ साथ सुबह सवेरे ग्रामीणों से की मुलाकात। इकोना इलाके के हजरिया की ये तस्वीरें हैं जहां पर राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी सूचना पाकर इकोना पुलिस मौके पर पहुंची और राप्ती नदी को देखते हुए ग्रामीणों से बात करते हुए उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी। इकोना इलाके के हजरिया की ये तस्वीरें हैं जहां पर पहुंचकर सुबह सवेरे ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने के पुलिस ने निर्देश दिए। मासूम बच्चे संदिग्ध बुखार की चपेट में आने से हो रहे बीमार। भारी संख्या में मासूम बच्चे पहुंच रहे इकोना अस्पताल। इकोना इलाके के अलग अलग स्थानों पर मासूम बच्चे संदिग्ध बुखार की चपेट में आ रहे हैं, जिससे भारी संख्या में इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मासूम बच्चे पहुंच रहे हैं, जो कई दिनों से बुखार से पीड़ित हैं। यहां पर तैनात चिकित्सक उनके दवा उपचार में जुटे हुए हैं। इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर भारी संख्या में मासूम बच्चे बुखार से ग्रसित होकर इकोना अस्पताल पहुंच रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों की टीम उनके दवा उपचार में जुटी हुई है। इकोना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें जहां पर भारी संख्या में इस समय मासूम बच्चे संदिग्ध बुखार की चपेट में आकर दवा उपचार के लिए पहुंच रहे। सीओ की अध्यक्षता में इकोना थाने में समाधान दिवस का किया गया आयोजन। भारी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे इकोना थाना। थाना इकोना इलाके के थाने की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस क्षेत्राधिकारी एमपी शर्मा की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी महेंद्र पाल शर्मा व थाना अध्यक्ष वकील पांडे ने आए हुए लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित राजस्व कर्मियों से बातचीत भी की और कई मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए टीम का गठन किया गया। इकोना इलाके के थाना की ये तस्वीरें हैं जहां पर अधिकारियों ने समाधान दिवस में आए हुए लोगों की फरियादियों को सुना। इस दौरान राजस्व कर्मी, पुलिसकर्मी आदि लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में इकोना थाने में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। बढ़ई पुरवा निवासी युवक ने इकोना थाने में पहुंचकर विपक्षियों के विरुद्ध जमीनी मामले का लगाया आरोप। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के बढ़ई पुरवा बिश्नापुर निवासी अजीमुद्दीन पुत्र महराजुल ने इकोना थाने पर पहुंचकर विपक्षियों के विरुद्ध जमीनी संबंधी मामले के को लेकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित ने बताया कि कई बार तहरीर दी गई पर सही से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या दिक्कत है? घर के मसला है। इससे पहले भी आप समाधान दिवस में आए थे, कई बार तहरीर अप्लीकेशन दिया है, क्या हुआ था? कोई समाधान ही नहीं हुआ अभी तक। तो मामला क्या है? मामला घर का मसला है, घर का बंटवारे का मसला है। हमारे भाई हैं, वो उनसे बोल रहे हैं हमारा घर ऊपर का छोड़ दीजिए, दो तल्ला मकान है वो। तो हम बोल रहे हैं नीचे, तो बोल रहे हैं बाकायदा तुम्हारा है, नीचे रहो, ऊपर मत जाओ। सीढ़ी भी हमारे रास्ते से ही है, सीढ़ी के लिए मना किए थे, उसके लिए मारपीट कर लिए वो लोग। मार्डन थाना श्रावस्ती पर थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन। भारी संख्या में पहुंचे फरियादी। श्रावस्ती जनपद के मार्डन थाना श्रावस्ती की ये तस्वीरें जहां पर थाना अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह की अध्यक्षता में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस थाना दिवस अवलिक समाधान दिवस में भारी संख्या में फरियादियों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान राजस्व कर्मी भी मौजूद रहे। बच्चों के विवाद में महिला के साथ की गई मारपीट। महिला ने इकोना थाने में पहुंचकर दी तहरीर। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के अहिदनपुरवा का मामला। थाना इकोना इलाके के अहिदनपुरवा मझुआ सुमाल निवासी सुमन यादव पत्नी शोभाराम यादव ने इकोना थाने पर पहुंचकर बताया कि बच्चों के विवाद में विपक्षियों ने बच्चे की पिटाई की। जब महिला ने उसका विरोध किया तो महिला के साथ भी मारपीट की गई। महिला ने बताया कि वो गर्भवती महिला है, जिससे उसके पेट में चोटें आई हैं। महिला ने बताया कि वो घर पर अकेली रहती है, पति मेहनत व मजदूरी करने के वास्ते बाहर रहता है। ऐसे में महिला की पिटाई की गई, जिसके बाद महिला ने इकोना थाने में पहुंचकर विपक्षियों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के अहिदनपुरवा गांव का मामला। किसने मारा है? काहे लिए? ऐसा लड़का मारी, इसलिए हम बोला नहीं, इसलिए हम सब है उनका नंधार, उनका नहतारी सब लोग लपिया कि मैं मारी, पेट में चोट आई। इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड टीकाकरण के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग नियमों का किया जमकर उल्लंघन। इकोना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें जहां पर भारी संख्या में कोविड टीकाकरण के लोग महिलाओं समेत
लोग पहुंच गए। ऐसे में कोविड गाइडलाइन नियमों का उल्लंघन हुआ, साथ ही यहां पर महिलाओं में जमकर कहासुनी भी हुई, जिसके बाद यहां के स्वास्थ्य कर्मियों के पहुँच कर बीच बदलाव कराना पड़ा। इकौना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर लाइन में लगने को लेकर महिलाओं से विवाद हो गया। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों ने पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इकौना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर भारी संख्या में अचानक टीकाकरण के लिए लोग पहुंच गए और यहां पर नियम को दरकिनार करते हुए नियम की धज्जियां उड़ाई गई। सोशल डिस्टेंस भी पूरी तरह से नाकाम दिखाई पड़ा। भिनगा थाने में पहुंचकर जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने समाधान दिवस में सुनी लोगों की समस्याएं। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा का मामला, जहां पर भिनगा कोतवाली में पहुंचकर जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने समाधान दिवस में पहुंचकर लोगों की फरियाद को सुना और उनके समस्या के निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा का मामला इकौना इलाके के पतेढ़ा पंचायत भवन में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीकाकरण कैंप का किया गया आयोजन। भारी संख्या में पहुंची महिलाओं और मासूम बच्चों का हुआ टीकाकरण। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के पंचायत भवन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाएं, 0 से 5 साल तक मासूम बच्चे, इनका टीकाकरण किया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं के खान पान, रहन सहन के बारे में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन्हें जानकारी दी। साथ ही मासूम बच्चे व गर्भवती महिलाओं का वजन भी किया गया। इस दौरान एनएम, आंगनबाड़ी, आशा आदि मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में कैंप का आयोजन हुआ। टड़वा महंत निवासी बुजुर्ग महिला ने इकौना थाने पर पहुंचकर विपक्षी के विरुद्ध वसूली करने का लगाया आरोप। आवास व पेंशन के नाम पर की गई वसूली। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के टड़वा महंत की निवासी बुजुर्ग महिला रामदेवी पत्नी कुंदन लाल ने इकौना थाने पर पहुंचकर विपक्षी के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। महिला ने बताया कि पहले आवास दिलाने के नाम पर 1,000 रुपये लिए गए, उसके बाद पेंशन बढ़ाने के नाम पर भी रुपए ऐड लिए गए, परंतु महिला का कोई कार्य नहीं हुआ। ऐसे में पीड़ित महिला ने थकाल देकर कार्रवाई की। महतारी दे दो कानूनी बारे में 1,000 ले के अलावा और वकील बाद में है पेंशन बनवाए तो फिर 3,000 दोनों परानी मिलेगा। तीनों परानी बनवाए कुछ आवास या पेंशन कुछ पायो नहीं पायो आवास हम नहीं पावा है लड़कियाँ पाए मतलब लड़कियाँ अलग है। इकौना इलाके के बिसुनापुर में पहुंचकर महिला पुलिस कर्मियों ने छात्राओं व महिलाओं को किया जागरूक। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकौना इलाके के ग्राम पंचायत बिसुनापुर के प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर मिशन शक्ति के तहत महिलाओं एवं स्कूल के छात्राओं को जागरूक किया गया। इस मौके पर SI अर्चना सिंह ने नारी सुरक्षा के बारे में महिलाओं व छात्राओं को बताया। साथ ही कांस्टेबल पूजा मिश्रा, पूजा शिवा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हारून, सूर्या मिश्रा, हरिशंकर सफाई कर्मचारी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं मौजूद रहीं, जिनकी मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं तथा छात्राओं को जागरूक किया गया। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के बिसुनापुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर महिला पुलिसकर्मियों ने कानून तथा नियमों के बारे में छात्राओं और महिलाओं को जागरूक करते हुए उन्हें सरकार द्वारा प्रदत्त नंबर भी प्रदान किए। पहले तो सुन लो, अकौना से आए हैं सब पूरा, तो इनके पास सुन लो क्या कहा थे, उसके बाद नहीं है अपन प्रॉब्लम बताई दो, क्या दिक्कत है, क्या ना दिक्कत है, राशन जो नहीं पाओ तो वहाँ बताई दो, जो पाए हो केहो बताई दो, लेकिन अकौना से लोग